अब वो लड़कियां तुमसे मिलने के कहती है जो पहले इग्नोर करती थी, ऐसे मेंटेन कर लेती हो इतनी चीट मील्स खाने के बाद। हाउ यू स्टार्टेड योर जिम जर्नी एंड सफरिंग मेक्स यू इनसेंसिटिव, डू यू थिंक दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू यू? डू यू एंजॉय बीइंग फेमस? हैव यू एवर स्मोक वीड? हाउ टू डील विद पीपल हु ट्राई टू पुट यू डाउन? एनी एडवाइस फॉर न्यू व्लॉगर्स? पहली वीडियो आप 1.25 या 1.5 में देख लेना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। क्यों एनी वीडियो ये ज्यादा इधर उधर घूमने नहीं गए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी देख लो। Hi guys, welcome back. This is Arush Bola. और भाई पहले तो सॉरी, क्योंकि 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाया। तुम्हारे भाई की तबीयत खराब थी, स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, ना कुछ खा पा रहा था ना पी पा रहा था। जिम भी 2 दिन का गैप आ गया, उसके बाद शूट आया, फिर सीधा तबीयत खराब में ही वीडियो शूट करके आया, क्योंकि वो भाई उसी दिन करना बनता था। और फिर थोड़ी मतलब ढीली मिली तबीयत थी, बट अब थोड़ा बढ़िया फील कर रहा है। और मैंने उस दौरान जब तबीयत थोड़ी ढीली थी, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि भाई क्वेश्चंस पूछ लो। मेरे को लगा इतनी भाई ब्रेक ना आए 4-5 दिन की, मेरे को बहुत अनप्रोडक्टिव लगता है जब मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाता, तो मैंने कहा इतनी ब्रेक ना आए इसलिए क्वेश्चन आंसर पूछ लो। बट भाई हिम्मत नहीं हो रही थी फिर वो बनाने की, पर आपके क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन पूछ लिए तो आंसर करने पड़ेंगे। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आपके सवालों का जवाब देके, ठीक है? बाकी भाई इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर दो, 1 लाख हो जाएंगे उधर बड़ी जल्दी, बड़ा नंबर हो जाएगा मेरे लिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो कर दो वहाँ पे। और ये स्टोरी तो उड़ गई, कैसे देखते हैं पुरानी। ये मैंने खोल लिया, ठीक है। ये कितने पूछते हो तुम? चल 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 चल, नीचे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई भाभी कब दिखेगी व्लॉग्स में? अब तुम लड़की लड़की है क्या जिंदगी में? और कुछ नहीं है भाई, दिखेगी जल्दी भाभी भी तुम्हें, जब कोई सच्चा प्यार करने वाली आएगी। योर वर्कआउट स्प्लिट? भाई मेरी वर्कआउट स्प्लिट क्या ही है, मेरे को खुद नहीं पता भाई, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को खुद नहीं पता मैं कल क्या करूँगा परसों क्या करूँगा। मैं देखता हूँ मेरी बॉडी जैसे फ्रेश लग रही होती है, जो मसल मेरे को लग रहा होता है ये फ्रेश है वो कर लेता हूँ। और आजकल लेग्स ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, आज भी लेग्स करने जाऊँगा। अभी जैसे मैंने मंडे को लेग्स करे थे, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा ऑफ हो गया, आज मैं दोबारा लेग्स करूँगा। कल मैंने हल्के बहुत मतलब शूट था तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद जिम गया था, फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, आज लेग्स करूँगा। तो अभी कुछ मेरी वर्कआउट स्प्लिट नहीं है, मैंने कुछ फिक्स नहीं कर रखा मंडे को क्या कर रहा हूँ ट्यूसडे को कर रहा हूँ, एक तरह से ब्रेक ही चल रहा है, जो मन करता है वो कर लेता हूँ। इनकम तो भाई काफ़ी बंदों के दिमाग में ये आता है कि भाई कितने पैसे कमाते हो, ये करते हो। मैं तो बता देता तुम्हें, बट यार मेरे घर वाले मना करते, कहते नजरें खाती है लोगों की। तुम तो अच्छे भाई हो पर सड़ने वाले भी देखते हो, उनकी नज़रें खाती है, इसलिए मम्मी डैडी ने मना किया हुआ है। जो भी कमा रहा है उसको थोड़ा लोक ही रख, और जो कमाता हूँ भाई अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मतलब तुम भाइयों की कृपा है, अच्छा कमा लेता हूँ, भगवान की कृपा है, ऊपर जय श्री राम, ठीक है। स्किनी फैट लड़के मसल कैसे बिल्ड करें? मेंटेनेंस कैलरीज खाओ, और अगर तुम पहले से ही फैट वैट है तो ट्राई करो कि गंदी कैलरीज ना खा रहे हो जंक वंक करके, यू फिट फिट योर मैक्रोस, ये वो वाला सीन। अच्छा खाना खाओ, अपने आप कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करते रहो, जिम जाओ, जिम स्टार्ट करो। बहुत लड़के घर पे बैठे बैठे स्किनी फैट सोचते हैं कि भाई जिम जाके मैं गेन करूंगा लूज करूंगा, तुम जिम जाओ, अच्छा खाओगे पियोगे, अपने आप बढ़िया हो जाएगा मामला, ठीक है। टिप्स टू ग्रो, भाई स्टे कंसिस्टेंट, और सबसे बड़ी टिप है मेहनत, मेहनत करते रहोगे ग्रो हो जाओगे। भाई ट्रैवल व्लॉग्स कब आएंगे आप बताओ, आप कहाँ के ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहोगे? और लैला भाई छुट्टी ले ले जल्दी घूमने चलते हैं, ठीक है, ट्रैवल व्लॉग्स लेके आते हैं बढ़िया बढ़िया। स्किनी फैट वो तो वही हो गया। टिप्स टू ग्रो चैनल, भाई ग्रो चैनल की कोई ट्रिप नहीं है, देखो मेरा अभी तक 1 लाख नहीं हो पाया, बट मैं एक ही टिप फॉलो करता हूँ, ट्रिप कह रहा हूँ, एक ही टिप फॉलो करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कंसिस्टेंट रहता हूँ, यही टिप है। इससे मेरे को पता है मेरा ग्रो भी हो जाएगा और आपका भी ग्रो हो जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे कंसिस्टेंट रहोगे। एक वीक में एक ब्रेकअप स्टोरी कवर करो अननोन बंदे की और आपके, ठीक है। पॉडकास्ट चालू करता हूँ, सबके रंडी रोने सुनेंगे बैठ के, ठीक है। अब वो लड़कियाँ तुमसे मिलने के कहती है जो पहले इग्नोर करती थी, हाँ भाई ये तो होता ही है जब थोड़े बहुत आप फेमस हो जाते हो। अब जैसे पुरानी लड़कियाँ थी थोड़ी बहुत जिनको मैं फॉलो करता था, साड़ियों ने अनफॉलो कर दिया था, अब फॉलो करती है दोबारा, ओ आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर ग्रोथ। तेरी बंदी की फोटो दिखा, देख लो भाई। मीटअप कब हो रहा है? जब 1 लाख प्ले बटन आ जाएगा मेरा, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मीटअप रखेंगे, बढ़िया। उससे पहले क्या ही मीटअप रखूँ भाई, क्या मुँह लेके मिलूंगा, क्या हासिल करा हमने 1 लाख, जरा प्ले बटन तो आन दो। ओनली यूजिंग क्रिटीन इज फाइन और हैव टू यूज़ वे प्रोटीन विद क्रिटीन? भाई क्रिटीन एक अलग चीज़ है, वे प्रोटीन अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। क्रिटीन आपकी बॉडी में ATP बढ़ाती है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करती है, और जब आप छोड़ देते हो वो वाटर वापस फेंक देती है, तो टेम्परेरी चीज़ है क्रिटीन, दूर रहो, मेरा ये पर्सनल है। बाकी साइंटिफिकली वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट बोला जाता है, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दिन में छोड़ो ये गंदे क्वेश्चन मत पूछो, साड़ो घर वाले भी देखते वीडियो। बोला भाई गांड फाड़ वीडियो रहती है आपकी, मजा आता है देख के, लव यू बाबू। कटिंग करते करते मसल मास बढ़ा सकते हैं? भाई जब आप कटिंग करते हो आपकी बॉडी के ऊपर जो फैट होता है वो कम होता है, तो मसल उभर के लगता है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि मसल मास बढ़ गया, ठीक है, पहले से मसल मास होना ज़रूरी है। सस्ता क्रिटीन बता दो DM में ही सही है। भाई मैं क्रिटीन यूज़ ही नहीं करता, और क्रिटीन वैसे ही सस्ता सप्लीमेंट है, मतलब 800-1000 रुपये का आ जाता है अच्छी अच्छी ब्रांड का भी, ठीक है। भाई तो इतने हैंडसम कैसे है हमको भी बता। भाई जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है उनकी, और जो दुनिया का सबसे सुंदर लड़का है उनकी शादी हुई, तो मेरे जैसा सुंदर लड़का पैदा हो गया, सिंपल।
कितने एक्स रह चुकी है आपकी? भाई सीरियस तो एक ही थी, बाकी ऐसे ही टाइम पास थी, जैसे क्लास में पटी हफ्ते बाद ब्रेकअप हो गया, या अब पटी हफ्ते बाद ब्रेकअप हो गया। एक ब्रेकअप की वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देख लो। ऐसे ऐसे ब्रेकअप होते थे मेरे। भाई हम लोग भी व्लॉग बना रहे थे, उसे लोगों तक कैसे प्रमोट करें? भाई प्रमोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप व्लॉग्स डालो, आपकी ऑडियंस आपको अपने आप ढूंढ लेगी। कैसे मेंटेन कर लेते हो इतनी चीट मील्स खाने के बाद? नेशन वॉन्ट्स टू नो। भाई मैं चीट मील्स खाता हूँ, बट मैं खाली वो ही नहीं खाता। अब ये भी देखो, अब सुबह मैंने ओट्स खाए हैं, पिछले दो दिन मेरा ब्रेक हो गया था, उससे पहले मैं चीट मील जब करता हूँ तो दिन में एक चीट मील हो जाती है, बट बाकी 80% तो मेरा खाना क्लीन ही रहता है ना। वो देखो चीट मील चलती है कभी कभी, और मैं चीट मील में शुगर्स वगैरह अवॉइड करता हूँ, तो उससे भी थोड़ा कैलरीज बच जाती है, एम्प्टी कैलरीज नहीं होती वो। और फिर जिम में भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा हमेशा मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। भाई डेली व्लॉग्स डाल के सबकी गांठ फाड़ दो सबकी। भाई डेली व्लॉग्स 50K सब्सक्राइबर्स के बाद, ठीक है। अभी तेरी क्या हाल है भाई ब्रेकअप के बाद, कैसा फील करता है? भाई बहुत बढ़िया फील करता हूँ, अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से, आप सब लोगों का प्यार है, बस एक अच्छी बंदी और मिल जाती। भाई अप्रोक्स इनकम बता दो। नहीं बताऊँगा। डिड यू स्किप लेग्स व्हेन यू फर्स्ट? हाँ भाई, लेग्स और शोल्डर दोनों स्किप कराए थे जो फर्स्ट जिम में अपने गुरु जी होते हैं उन्होंने। एक साल तक तो ना शोल्डर कर रहे थे ना लेग्स। हाउ यू स्टार्टेड योर जिम जर्नी एंड योर व्लॉग्स रिमूव ऑल टेंशन? थैंक यू भाई। भाई जिम जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई थी? घर के नीचे नया जिम खुला था, तो भाई वगैरह ने जाना स्टार्ट किया था। मेरे में वो चुल्ला है कि वो खेलने जाएंगे तो मैं भी खेलूंगा, वो करेंगे जो मैं भी करूंगा, तो मैंने कहा डैडी मैं भी जिम जाऊंगा, मैं चला गया। उन सब ने जिम छोड़ दिया, तुम्हारा भाई वहीं लगा रहा, क्योंकि वहीं पर मेंटल पीस मिली मेरे को। भाई प्लीज़ बता दो एप्स कैसे ट्रेन? भाई मैं खुद नहीं एप्स ट्रेन करता, मैं इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं देना चाहता अभी। इस प्रोटीन शेक नेसेसरी फॉर बल्किंग मसल्स और ओनली फूड विद इक्वल प्रोटीन कंटेंट विल वर्क? भाई अगर आप खाने से अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा कर पा रहे हो तो प्रोटीन वगैरह लेना आपको कोई सेंस नहीं बनता, आप उन्हें दूर ही रहने दो। खाने से अगर पूरा कर पा रहे हो तो आप बहुत ही लकी इंसान हो, और बहुत ही बढ़िया आपकी क्वालिटी गेनिंग होगी। एक तरफ 50 ग्राम प्रोटीन है वे प्रोटीन का, एक तरफ 40 ग्राम खाने से प्रोटीन है अच्छे रियल फूड से, तो आप 40 ग्राम प्रोटीन वो लगाओ। We want informational content also. Please add some gym clips in your videos. Please. बाकी बहुत प्यार। ओके बाबू, अब से जिम की वीडियोस भी आएंगी। Suffering makes you insensitive. Do you think this is true according to you? भाई देखो used to हो जाता बंदा, जैसे आप जिम का एग्जाम्पल ले लो, रोज फेलियर कुछ करते हो, रोज वो करते हो, तो used to हो जाती है बॉडी। कभी कभी थोड़ा आपको डीलोड करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वैसे हमें बचपन से सफरिंग करते रहते हैं किसी चीज़ की, दोस्त धोखे दिखाते रहते हैं, सांप मिलते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको ना एक used to हो जाते हो कि भाई अब कोई धोखा भी देगा, कोई अपनी औकात भी दिखाएगा तो हाँ भाई ठीक है, नथिंग न्यू। बस वही है, इनसेंसिटिव हो जाता बंदा थोड़ा। आफ्टर सक्सेस क्या एक्स की कॉल आई? भाई आफ्टर सक्सेस तो नहीं, ब्रेकअप के बाद करती है दीदी कभी साड़ी पी आगे, बट मैं उठाता नहीं। तुम्हारे भाई का एक असूल है, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया खत्म। भाई कौन से स्कूल से पढ़े हो और अभी कौन से कॉलेज में हो? भाई कॉलेज मेरा विप्स था, पास आउट हो गया विप्स दिल्ली से, और स्कूल मेरा SD पब्लिक था, लास्ट जो था पंजाबी बाग में, ठीक है। बकचोदी कम जिम की वीडियो ज़्यादा बनाया करो। भाई नहीं भाई, मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप बताओ एक बार नीचे कमेंट करके बताओ, आपको जिम का कंटेंट ज़्यादा देखना है? यही है, बहुत सारे क्वेश्चन हो भाई। मंथली इनकम बता दो, इनकम बता दो, क्या करोगे पैसे जान के? अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे हैं, बस इतना जान लो। एक बात जानिए मुझे कि जैसे आप सब लोग इतना बाहर जाते हो खाने पीने डेली, तो वहाँ पे कौन करता है? तो भाई हम डच करते हैं, जैसे 5 बंदे हैं, 5,000 का बिल आया, 5 से डिवाइड करते हैं, 1,000 पर बंदा दे देता है। जिसके पास नहीं होते वो घर जाके पेटीएम कर देता है, बस यही होता है। उसने कभी फिर से बात करने की कोशिश नहीं की? भाई कोशिश तो हुई, जैसे स्नैप पे ऐड करो, ये करो, वो करो, बट जब तक तुम अपनी तरफ से बात करना नहीं चाहते, कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले बात नहीं कर पाएगा, और हम अपनी तरफ से ही बात नहीं करना चाहते। इज़ इट नेसेसरी टू ट्रैक एवरी सिंगल कैलरीज एवरी डे? नहीं भाई, मेरे को कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे मैंने आज तक कैलरीज नहीं ट्रैक करी, 3-4 साल। वो स्टार्टिंग में नहीं आनी है, जब जोश चढ़ता तब ट्रैक करी थी, मैं अपनी कैलरीज ट्रैक नहीं करता। अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आपकी डेली डाइट क्या है, आप अच्छा खा रहे हो, आपको ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बहुत ही स्पेसिफिक गोल है कोई। नथिंग बट ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, लव यू, थैंक यू। अगर तेरे को यूट्यूब अभी छोड़ना पड़े और फिटनेस भी, तो क्या करेगा पैसे कमाने के लिए? कुछ नहीं भाई, घर के काम पे लग जाऊँगा, अपना फैमिली बिजनेस है उस पर लग जाऊँगा। कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है यार, अगर एक गेट बंद होता दूसरा गेट खुल जाता है। आप जिम कितने ईयर से कर रहे हो? भाई 6 से ज़्यादा साल हो गए। तारक मेहता देखा है क्या? हाँ भाई मेरे घर में चलते रहते, तो कभी कभी देख लेता हूँ। भाई आप नो फैब फॉलो करते हो क्या? भाई नो फैब नहीं भाई। भाई ग्रेजुएशन कर ली? हाँ भाई कर ली, BJMC करी है विप से। 1 साल हो गया मुझे जिम जाते हुए, बाइसेप पे स्ट्रेच मार्क्स आ गए 11 से 1.5 इंच। भाई पहले तो बहुत बढ़िया गेन कर लिया आपने, 11 से 14.5, बाकी स्ट्रेच मार्क्स आ गए, तो अब आ गए तो आ गए, मेरे भी है, आपके भी आ गए, सबके होते हैं जो जो जिम जाता है, जिसने मेहनत करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रो 75+ वेट होता है तो कितना लॉस करूँ तो एब्स विजिबल होंगे? भाई वेट मैटर नहीं करता, आपका बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करता है, ठीक है। जिम गाइस को हफ्ते में कितनी बार मास्टरबेशन करना चाहिए?
पता नहीं भाई, बस कंट्रोल, बस इसका एक ही बात बताऊंगा कि हर चीज़ लिमिट में ठीक है, हर चीज़ लिमिट से बाहर होती है तो ख़राब है, चाहे वो जिम हो चाहे मास्टरबेशन, दोनों में बताओ। अब दिन में दो दो बार जिम करोगे रिकवर नहीं कर पाओगे, अब मास्टरबेशन दिन में दो दो बार करोगे ऐसे हो जाओगे। अब तक कितने रिलेशनशिप में आ चुके हो भाई? रिलेशनशिप तो एक ही था सीरियस, बाकी फ्लिंग्स वगैरह चलते रहते हैं। वो तो वट चेंजेस हैव यू फेल्ड आफ्टर हार्ट ब्रेक एंड डू यू थिंक जो वो अच्छा हुआ? हाँ भाई, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। अगर हार्ट ब्रेक ना होता फिर वही मैं भी टाइम अपना अपने ऊपर इन्वेस्ट ना कर रहा होता, वही बंदीबाजी में लगा होता या इधर उधर घूम रहा होता। बस अच्छा हुआ जो भी हुआ। डू यू इन्जॉय बींग फेमस? यस ब्रदर, कोई मिलता है पहचानता है कि हाँ भाई आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, कोई बताता है छोटी छोटी चीज़ें, भाई आपकी वीडियो में ये बहुत बढ़िया लगा, लोग घर के नीचे मिलने आते हैं, तो भाई किसको अच्छा नहीं लगेगा जो 5-6 साल पहले जाग जाग के मेहनतें करी है, वीडियो बनाई है, जब लोगों को व्हाट्सएप पे भेजी है उन्होंने रिप्लाई नहीं करे, वो बोली बेइज्जती सही है, तो अब जो इज्जत मिल रही है वो अच्छी लगती है भाई, फेमस होना मज़ा आता है। जिम में एक इज्जत मिलती है, जहाँ भी जाओ वहाँ भी लोग पहचानते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ यूट्यूब पर चल नहीं रही, क्या करूँ? मोनेटाइज करना है चैनल को। भाई पहले तुम अपना मोटिव देखो, तुमने कमाना है चैनल से, बिजनेस की तरह करना है या तुम पैशन की तरह कर रहे हो? अगर तुमने पैसे कमाने हैं तो थोड़े बहुत, जैसे हर बिजनेस में पहला पैसा लगता है, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाओ, उसको थोड़ा प्रमोट करो, लोग देखेंगे फिर जुड़ जाएंगे। अगर तुम पैशन की तरह कर रहे हो तो बस डालते रहो, अभी व्यूज़ वगैरह छोड़ दो, ठीक है भाई। व्हाट्स योर फर्स्ट मीटअप एक्सपीरियंस? भाई दिल खुश हो गया था, मेरे को तो लग रहा था 5-6 बंदे आ जाएंगे, बट इतने बंदे थे, बहुत बढ़िया था भाई। मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन का हो गया तो उनमें से एक था वो, ठीक है। Have you ever smoked weed? नहीं भाई, दूर इन चीज़ों से, घर वाले विश्वास करते हैं ये सब चीज़ें नहीं करनी, उनका विश्वास नहीं तोड़ना। आजकल कूल बन गया है चरस गांजा, पर पहले जो इनको गंजेड़ी कहते थे हमारे, गंजेड़ी है चरसी है, तो वो गंजेड़ी और चरसी रहेगा, उनसे दूर रहो अपने शरीर। लोग हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं, भाई इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये है, कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखला करती है ये चीज़ें, तो दूर रहोगे वही बढ़िया, ठीक है। बाकी नो हेट, कोई पीता अगर है तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ जो नहीं पीते वो ये समझ के मत आ जाना कि भाई ये चीज़ें कूल होती है, ये होती है, मैं कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। विनोद जी के साथ अगली वीडियो कब? भाई कोई वो दो मेरे को नीचे आइडिया, विनोद जी के साथ कौन सी वीडियो बनाऊँ? रिवील योर 10th क्लास मार्कशीट, बता दो भाई, कोई 5.6 या 8 CGPA आई थी, मिल जाएगी रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ लगा दूंगा, देख लेना। भाई गेमिंग के लिए बेस्ट स्प्लिट कौन सी होती है, जो आप इन्जॉय करते हो, जिसको आप रिकवर कर पाते हो, जिसमें आप अपना 100% दे पाते हो? उसमें इतना कुछ बोल दिया फिर भी उसने प्यार करने का मन करता है, ये कैसा प्यार है? अस मोमेंट ब्रो, अस मोमेंट। हाउ टू डील विद पीपल हु ट्राई टू पुट यू डाउन? भाई जो तुम्हें, मतलब अभी रिसेंटली एक चूतिया ने मेरे पे भी वीडियो बनाई थी, अवॉइड करो और क्या, उनका यही मोटिव है कि भाई उनके सामने उस बंदे को वो सब चीज़ें मिल रही है जिसके लिए वो अपनी मराते रहते हैं, तो उनको सड़ते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उसको भी ना मिले, वो तुम्हारा नाम वाम लेते हैं कि तुम थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो, बट अभी कल परसों ही डैडी ने समझाया कि भाई अब आजकल तेरे को अच्छा नाम वाम मिल रहा है तो उन लोगों से दूर रहियो, अपने हम्बल रहियो, और जो पीछे से बंदे ट्राई करेंगे तेरे से कलेश कर ले, थोड़ा बहुत कर ले, थोड़ा बहुत नाम वो भी कमा ले, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करियो, बस वही इग्नोर करो। हंसो भाई उन पे, हंसो कि चूतियो कुछ खुद नहीं कर पा रहे, दूसरों को भी नहीं करने दे रहे। उनके लिए सबसे बड़ी हार यही होगी कि आप अवॉइड करो, और वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हो उनसे और ऊपर जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। फ्यूचर प्लान? अभी कुछ प्लान नहीं है फ्यूचर, भाई जिम जाएंगे आज, बैक और बाइसेप मारेंगे, यही है। GF बनानी थी भाई, अब ब्रेकअप कर लिया ताकि चूतिया ना कटे आगे, गुड। यूट्यूब पे इतना फेमस होने के बाद एक्स ने कभी अप्रोच करने की कोशिश की? भाई अभी मैं यूट्यूब पे इतना फेमस नहीं हूँ, और एक्स ने अप्रोच करने की कोशिश करी थी, मैं बात नहीं करता, हर जगह से हटा रखा, ठीक है भाई। होम वर्कआउट से एक अच्छी सी बॉडी बन सकती है क्या? भाई अच्छी बॉडी बन सकती है, घर बैठे रहने से बढ़िया होम वर्कआउट कर लो, बट अगर आप जिम जा सकते हो, वेट उठा सकते हो, हैवी तो हैवी वेट उठाओ, उसका मजा अलग है, ठीक है भाई। इतना ज़्यादा खुश कैसे रह लेते हो हर टाइम, और इससे ज़्यादा दूसरों को खुश कैसे रख लेते हो? बस भाई अपनी लाइफ इंजॉय करो, बिजी रहो, एक गोल पकड़ लो, उसके पीछे लगे रहो, आप भी खुश रहोगे, जो आपको देखते हैं वो भी खुश रहेंगे। हैव यू एवर वॉच पोर्न? नहीं भाई, वो क्या होती है? फ्यूचर में GF बनाओगे कि नहीं, सीधा शादी ही करनी है घर वालों, सीधा शादी ही करो करने वाले हो? भाई डिपेंड करता है, मैं कोई चीज़ नहीं करता ये चीज़ की बंदी मिले, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी जिसके बाप के अंदर वैसा हो, इकलौती हो, तो कर लेंगे उससे सेटिंग। एनी एडवाइस फॉर न्यू व्लॉगर्स? भाई व्लॉगर्स के लिए यही एडवाइस है कि क्या एडवाइस दूँ कि चूत खुद 1 लाख सब्सक्राइबर हो नहीं रहे। भाई व्लॉगर्स के लिए यही एडवाइस है, कैमरे पे थोड़ा फेक मत बनना, व्लॉगिंग में जितना आप खुद को दिखा पाओगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को दिखा पाओगे, उतना लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तभी दिखा पाओगे जब आप रियल रहोगे कैमरे के पीछे भी। फेक रह के 24 घंटे एक्टिंग नहीं कर सकते। अब मैं बस कैमरा खोलता हूँ और जो मैं हूँ मैं वही दिखाता हूँ, बस मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाता हूँ, ठीक है। रियल रहो, बस सबसे बड़ी बात।
लैला से दोस्ती कैसे हुई थी आपकी? लैला मेरे भाई का दोस्त था पहले ट्यूशन में, 9th 10th में, उसके बाद ये मेरे से मिला, फिर मेरा भाई तो थोड़ा शरीफ टाइप है, वो इससे कम मिलने लग गया, ये मेरे से ज़्यादा मिलने लग गया, बस तब से ही दोस्त है 9वीं 10वीं से। भाई मुंबई शेरू क्लासिक आ रहे हो? भाई सोचा तो है, आ भी जाएंगे, देखते हैं, मुंबई वैसे ही आने का मन है। भाई दिल्ली गैंग से तुम्हारी दोस्ती कब से हुई है? भाई अमन मेरे बचपन का दोस्त है 9th 10th का ही, लैला भी, और वैभव मेरे को अमन के थ्रू जिम में मिला था 12th में शायद, उसके बाद मन्नू अभी मिला था 1-1.5 साल पहले, अमन के साथ जिम आया था। एनी इंजरी यू हैड एंड हाउ डिड यू रिकवर? टच फुट, भगवान की कृपा से कोई सीरियस इंजरी आज तक नहीं हुई, बस एक बार यहाँ पे उंगली पे लग गई थी सीधे हाथ पे, वो भी तब लगी थी जब कलेश हो गया था, एक बार लड़ाईबाजी हो गई थी तब लग गई थी यहाँ पे टांग के, तब जिम विम नहीं जा पा रहा था, बस वही इंजरी थी और कोई इंजरी नहीं हुई आज तक। और ये जो लगी थी भाई पिटा नहीं था तुम्हारे भाई, मेरे खुद लग गई थी, ठीक है, कुछ उठा के मार रहा था, वो नुकीली चीज़ थी, वो मेरे ही लगती थी। भाई आपने अपना जिम खोलना चाहोगे कभी? हाँ भाई क्यों नहीं, हर जिम वाले का सपना होता है कि अपना खुद का जिम खोले, तो मैं भी खोलूँगा जल्दी, आप लोगों की कृपा रहेगी, बजरंगबली के नाम से जिम खोलेंगे। एज एंड व्हाट डू यू डू? माय एज इज़ 22, आई विल बी 23 दिस सितंबर, एंड व्हाट डू आई डू इज़ व्हाट एवर यू सी, व्लॉगिंग। लोगों को लगता है ये एक साइड बिजनेस है, मैं कुछ और करता हूँ, बट भाई इसमें मेरा पूरा दिन चला जाता और करने का टाइम ही नहीं बचता। भाई आप महाराष्ट्र में भी तबाही मचा रहे हो, लव यू भाई, बाय द वे सम टिप्स फॉर स्किनी फैट। भाई टिप्स तो दे दी, बाकी थैंक यू सो मच, लव यू, जय महाराष्ट्र। अगर सेटिंग देने में ज़्यादा भाव खाए तो क्या करे? थस्सा खाओ भाई, ज़्यादा भाव मत खाए, खा रहे हो तो थस्सा खाओ। अगर बहुत ही अच्छी है, अगर वो डिजर्व करती है इतना एटीट्यूड तो सह लो थोड़ा, पर अगर इतने भाव खा रही है बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रही तो उसे अवॉइड करना कहते हैं, भाव खाना उसे कहते हैं, थोड़े बहुत नखरे दिखाना, फिर तुमसे बात करना, फिर तुम्हारे साथ घूमना, वो होते हैं भाव खाने। What is the most important for motivation? Goal. किस चीज़ के लिए तुम मोटिवेट हो, वो क्या गोल है, कितना तुम्हारे लिए मैटर करता है। भाई तेरे डायलॉग बहुत हार्ड है बहन की लोड़ी। थैंक यू भाई, इतने अच्छे होगी मेरे क्रश बन गए हो, थैंक यू भाई। ओए ये तो लड़की है भाई, सॉरी क्योंकि ये व्लॉग नहीं हो पाएगा, ये खाली Q&A वीडियो रहेगी, मेरे को लगा था 5-10 मिनट में निपटा दूंगा, बट 20 मिनट पहले ही हो गया। अब और क्वेश्चन देखो, भैया कितने क्वेश्चन है, अभी तो आधे भी नहीं हुए। भाई आपकी स्माइल एकदम सेक्सी है, थैंक यू भाई, अब जल्दी जल्दी करूँगा। भाई मैं सपोर्टर पहनना इंपॉर्टेंट है जिम में? भाई नहीं, जिम में सपोर्टर पहनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सपोर्टर तब पहनते हैं बट जब आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा हो, उधर कोई हाथ लग रहा हो जैसे कुश्तियाँ खेल रहे हैं, बट अगर आप जिम कर रहे हो तो उधर कोई डंबल तो मारता नहीं, तो सपोर्टर पहनने की कोई जरूरत नहीं होती। बाकी पहन भी लो अगर आपको वहम का इलाज नहीं होता क्योंकि, ठीक है। इसलिए भाई आप वर्जिन हो या नहीं? भाई मैं वर्जिन हूँ सलमान खान की तरह। भाई यूट्यूब क्यों चालू किया? भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई थी ऐसी टाइम पास अपनी, वो डाल दी, उसके बाद हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराई वो डाल दी, फिर कोई नहीं देखता था, फिर मेरे में डालने की चुल डल गई कि मैं डालता रहूँगा, कभी तो कोई देखेगा, आज लोग देख रहे हैं तो डालता रहता हूँ कि भाई लोग देख रहे हैं अब डाल दो, बस यही था रीज़न। और ये हमारी आज की Q&A वीडियो ख़त्म, अब हम अगली Q&A वीडियो करेंगे जब हमारे हो जाएंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, उससे पहले कोई Q&A वीडियो नहीं आने वाली, तो आज ही थे जो क्वेश्चंस वगैरह थे। और थैंक यू सो मच भाइयों वीडियो में मेरे व्लॉग्स को प्यार दिखाने के लिए, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, और ये और वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन से भार।